कोई बहुत ही अंग्रेजी ढंग से बात कर रहा हो तो हिंदी वाले भी लड़के लड़कियां गैंग अप हो जाते हैं, कहते अंग्रेज हो रखा है भाई। मैंने कहा तुम लोग एक नंबर के गधे हो, ध्यान से चीज़ें सुनते नहीं हो। ऑब्जर्वेशन सबसे की स्किल है जर्नलिस्ट का। तुम विद्यार्थियों के लिए डेमोक्रेसी का सबसे पहला मतलब होना चाहिए अपने इर्द गिर्द को जानना। हमेशा हम लोग जैसे करियर में बोलते हैं ना देयर शुड बी अ बैकअप प्लान, वैसे हमेशा दो तीन न्यूज सोर्स रखने चाहिए। क्यों एक फिल्म किसी एक के लिए रैलिंग पॉइंट हो जाती है सपोर्ट का, किसी एक के लिए विरोध का। मैं UPSC बहुत बार गया हूँ पर हमेशा सीखी सिखाई बातों के हिसाब से चला जाए तो फिर काहे का लल्लन टॉप। हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि अप्रिय बातें नहीं बोलनी चाहिए। सत्यम ब्रुयात, प्रियम ब्रुयात, न ब्रुयात, सत्यम अप्रियम। पर हमेशा सीखी सिखाई बातों के हिसाब से चला जाए तो फिर काहे का लल्लन टॉप। इसलिए मैं सबसे पहले उन नौजवान छात्रों को याद करना चाहता हूँ जो इस समय हिंदू कॉलेज प्रशासन के कोप भाजन के शिकार हैं सत्याग्रह करने के चलते। हो सकता है कि छात्रों की गलती रही हो सकता है कि वो कुछ अतिरिक्त उग्र हो गए हों, पर मैं हिंदू कॉलेज के प्रशासन को इन सभी छात्रों की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वो अपने गुरुओं का बहुत सम्मान करते हैं और ये आपने ही उनको सिखाया है कि लोकतंत्र के दायरे में अपनी बातों के लिए जायज़ ढंग से प्रदर्शन किया जा सकता है। शायद इसीलिए इस तरह के फेस्ट का आप आयोजन करते हैं। तो मेरी बड़ी गुजारिश रहेगी प्रिंसिपल साहिबा से और सभी लोगों से कि इस शुरुआती भाषण के हिस्से के बाद भले ही आप भविष्य में मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन ये जो ग्रेजुएशन के नौजवान लड़के लड़कियां हैं अगर इन्होंने कुछ गलती कर दी है तो बड़ा दिल दिखा के माफ़ कर दीजिए। आमने सामने बिठा के समझाइए कि बेटा सत्याग्रह भी ज़रूरी है, स्वाध्ययन भी ज़रूरी है, पर सख्ती वैसी होनी चाहिए जैसी हमारे माता पिता की होती है और कॉलेज में माता पिता का रोल प्रोफेसर और प्रिंसिपल को निभाना होता है। ठीक कह रहा हूँ नौजवानों? चुनाव बड़ी कमाल की चीज़ है, वीकेंड के आगे पीछे हो तो लॉन्ग वीकेंड हो जाता है, मेक माई ट्रिप वालों की चांदी हो जाती है। दीदी फोन रख लीजिए नीचे, बहुत अच्छा फोन है। सुर नहीं लग पाता, ये मेरी समस्या है आपकी नहीं। आप लोगों को लगता है कि जिस आदमी को मैंने रात दिन अपनी मोबाइल या कंप्यूटर या टीवी की स्क्रीन पर देखा है, YZ So Anti Black Mirror, आपने मुझे मोबाइल की स्क्रीन पर तब देखा जब आपको मुझे या मुझे आपको देखने का साक्षात विकल्प नहीं था। तो आपके लिए मैं मोबाइल स्क्रीन पर बोल रहा एक शख्स था और आप मेरे लिए एक नंबर थे जो रिफ्लेक्ट हो रहा था हमारे डैशबोर्ड पर कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने कमेंट किया। पर वो हमेशा दूसरा विकल्प होता है। पहला विकल्प तो है कि जितना सजीव जिंदा आमने सामने की बातचीत हो पाए जिसमें आप अपनी चैतन्यता और अपनी आँखों के सहारे सामने बोलने वाले को महसूस कर पाएँ और जो बोल रहा है उसको भी नज़र आए कि वो किन से बात कर रहा है, इसलिए मेरा जोर रहता है। और सरकार ने सिर्फ ऑडिटोरियम बनाने पे पैसा खर्च नहीं किया है, कुछ अच्छे कैमरे भी लगे हैं, सो यू कैन रिलाई ऑन दीज गाइज, आई एम श्योर दे विल डू गुड जॉब। बाकी आपके जो आयोजक हैं उन्होंने वो शुरुआती धतकर्म कर लिया है जिसमें अगल बगल बैठ के जल्दी से फ़ोटो खिंचवानी होती है, पीछे वालों ने उन्हें कोस भी लिया है मन ही मन। सारी मन की बातें प्रधानमंत्री थोड़ी करेंगे, कुछ आप लोग भी तो करेंगे। मैं जब भी किसी ऐसे शानदार कॉलेज में आता हूँ जैसे कि हिंदू कॉलेज तो मैं बहुत कृतज्ञता से भर जाता हूँ। आप लोगों को ठीक से आवाज़ आ रही है? इधर बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं बीच में नहीं बुलाऊंगा। आ जाओ, आ जाओ दीदी, आ जाओ आप, बहुत अच्छा लग रहा है आपका सूट, आ जाओ बैठो। डोंट लाफ, इट्स अ मेरिट, ये गुण है जो आप सीख लें, लौंडे खास तौर पे सीख लें, वरना तमाम जिंदगी एक ही तरफ का स्वाइप चलता रहेगा। किसी की तारीफ करना ये एक गुण है जो आप सीख लें और
भाई साहब आप लोग भी आ जाइए, सब लोग आ जाओ इधर से, मैं मुझे मेरा थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, आ जाओ आ जाओ, तुमने बहुत बढ़िया बंद गला पहना है। अरे हमारे कहे से आ जाओ गुरु, हम गेस्ट हैं तुम्हारे, आओ। वो वाले भाई साहब बिल्कुल सही लग रहे हैं एकदम, सलमान खान की टक्कर। क्या नाम है नौजवान? सागर। बहुत बढ़िया, एक पहले जोक सुनाते हैं, आप बोल दिया जोक है तो हंस देना। एक दिन हम अपने न्यूज़ रूम में पहुंचे और मैंने अपने न्यूज़ रूम के लड़के लड़कियों को बहुत डांट लगाई। मैंने कहा तुम लोग एक नंबर के गधे हो, ध्यान से चीज़ें सुनते नहीं हो, ऑब्जर्वेशन सबसे की स्किल है जर्नलिस्ट का, पर तुम लोगों का ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है, तुम लोगों को लग गया कि तुम लोग बहुत बड़े पत्रकार हो गए हो। ये गाना इतना चल रहा है और इसमें एक कीवर्ड आता है जिस पे तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने पूछा सर कौन सा गाना, तो जुड़वा का तब रीमेक आया था, है वरुण धवन वाली, हाँ, तो उसमें एक लाइन आती है आजा आजा राजा बैंड बाजा लेके आजा, सुना है ना, तो उसमें आगे एक लाइन कहता है कवि कि मेरे सागर वाले राजा। तो मैंने कहा लगता है कवि सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला है, कोई पहुंचा हुआ संत लगता है, लेकिन इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ये स्टोरी है। पर जब मैंने उनको डांटा और फिर कहा कि तुम लोगों ने इस पर क्यों स्टोरी नहीं की कि ये सागर वाले राजा कौन है, तो उन सब ने अपना माथा पीट लिया क्योंकि सही शब्द था स्वैगर वाले राजा। सर आप सागर भी हैं और आप में स्वैग भी काफी है। तो मैं बात कर रहा था लोकतंत्र से भी ज्यादा जरूरी गुण की, जो कि सही किस्म के स्वाइप के लिए जरूरी है और जो 5 साल में एक बार नहीं आता है, तुम्हारी उम्र में तो रोज ही आता है, और उसके लिए तारीफ करने का गुण। पर चेप होके तारीफ नहीं करनी है, ठीक है, स्टॉक भी नहीं करना है, यू हैव टू बी जेन्युइन, यू हैव टू बी क्रिएटिव। अगर किसी ने कोई अच्छी पोशाक पहनी है तो आपको ये बोलना चाहिए ना, यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट, एंड इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ह्यूमन बीइंग्स ओनली। यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह सवेरे उठते हैं, गंदा सा मुंह बना के अपनी मेस में जाते हो और फिर कैंटीन का बुरा सा खाना खाते हो, नाश्ता, वो चाय मुर्दे के मुंह में डाल दो तो जिंदा हो जाए, इतनी बुरी बनती है ना। मैं दूरबीन लेके खोज रहा हूं हिंदुस्तान के किसी कॉलेज की ऐसी कैंटीन या मेस जहां ठीक खाना मिलता हो, मतलब नॉस्टैल्जिया में वो ठीक हो जाता है। ब्रो रात के 1 बजे वाली मैगी, खेल मैगी में नहीं था, जो बगल में बैठ के खा रहा था उसकी कंपनी में था, ठीक है ना। बट यू हैव टू बी ग्रेटफुल, कोई आपको सर्व कर रहा है, कोई इस माइक सिस्टम को ठीक कर रहा है, वहां से ऑपरेट कर रहा है, कोई व्यवस्था मैनेज कर रहा है, ये सारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग जो हमारी टीम के पीछे पड़े रहे कि नहीं अपने कमबख्त संपादक को जरूर भेजो, जरूर जरूर भेजो, तारों की छाँव में दिन की रोशनी में भेजो, कैसे भेजो भेजो, सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल, राइट। तो तारीफ और कृतज्ञता ये जीवन का बड़ा ज़रूरी गुण है, इसे जितना जल्दी तुम सीख लो उतना अच्छा है। कृतज्ञता सीख लोगे, तारीफ सीख लोगे, तो जो फालतू का गुरूर है, ईगो है, उससे थोड़ा सा बचे रहोगे। तो दीदी आपका सूट वाकई में सुंदर लग रहा है, इनको हंसने दीजिए, ठीक है। आई एम वेरी जेन्युइन इन माई कॉम्प्लीमेंट्स, और ये मैं कैसे कह पाता हूँ, ये मैं इसलिए कह पाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ताकतवर, खूबसूरत और बुद्धिमान महिलाओं ने संवारा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें उनका बहुत योगदान है। मेरी माँ, मेरी अध्यापिकाएँ हैं, माई टीचर्स, मेरी दोस्त जो कि बहुत सारी हैं, मेरी पत्नी जो कि एक है, पर जो पत्नी होने के बावजूद मेरी दोस्त पहले हैं और दोस्ती अब तक बरकरार है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। शादी कई बार दोस्ती को खा जाती है, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक लड़का सुबह सवेरे मैट्रिमोनी की साइट पे प्रोफाइल अपडेट करके आया है, उसकी अतिरिक्त ताली थी। हमारे घर में जो कुछ होता है और हमारे कॉलेज में जो कुछ होता है वो एग्जैक्टली डेमोक्रेसी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। हमारे घर में क्या होता है, एक सबसे ताकतवर आदमी होता है, अमूमन वो पापा होते हैं, अमूमन वो सुबह सवेरे लोकतंत्र का हालचाल लेते हैं अखबार पढ़ के या दिन भर टीवी देख के, और शाम तक वो अपने फरमान सुनाते हैं बिना आपसे कंसल्ट किए। गाइज दैट्स डेमोक्रेसी फॉर यू। दिखने में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, पर असल में होती नहीं है,
जैसी थ्योरी में होती है, तब एज अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हमारा काम हो जाता है कि हम ग्राउंड पर जाकर देखें कि ये जो लोकतंत्र नाम की चिड़िया है जो पॉल साइंस की किताब के हर दूसरे पन्ने पर फुदकती रहती है, ये असल में कैसी दिखती है, बिना फिल्टर के कैसी दिखती है। और ये बहुत अद्भुत है, बहुत कमाल। थोड़ा सा इसको देखिए, ब्लास्ट आ रहा है थोड़ा दादा। हेलो हेलो हेलो। जब मैं लोकतंत्र का सबक पढ़ने के लिए निकलता हूं तो महाराष्ट्र में कुछ चरवाहे मिलते हैं, एक जिले से दूसरे जिले का सफर तय करते, कभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर और कभी उनके बीच के खेतों में, जिनके पास किसी भी किस्म का सरकारी कागज नहीं है, वो भी भावनात्मक रूप से इस देश के नागरिक हैं। जब मैं लोकतंत्र का पाठ पढ़ने निकलता हूं तो मुझे अमेरिका के मिशिगन स्टेट के सबसे शानदार मेडिकल स्कूल में ट्रॉमा सर्जरी पढ़ाते एक प्रोफेसर मिलते हैं जो अब भारत के नागरिक नहीं हैं, OIC कार्ड है, लेकिन जिनकी ये चिंता है कि भारत में ट्रॉमा सर्जरी का स्ट्रक्चर तसल्ली बख्श क्यों नहीं है। जब मैं लोकतंत्र का पाठ पढ़ने के लिए निकलता हूँ तो मुझे बंगाल के एक सीमावर्ती ज़िले के एक गांव की एक बुज़ुर्ग मिलती है जो किसी स्कीम की तारीफ करना चाहती है, लेकिन उस गांव में सक्रिय दूसरे राजनीतिक दल के काडर को ये बात नागवार गुजरती है और मैन टू मैन मार्किंग का उम्दा उदाहरण पेश करते हुए द चेज अवे दोज जर्नलिस्ट। जब मैं लोकतंत्र की बात करता हूँ तो मुझे अब भी जिन कुछ इलाकों में नक्सलवाद बचा हुआ है वहाँ पे मुट्ठी भींचे कुछ चरमपंथी दिखते हैं जो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं और जो इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य अभी जंगल के सब कोनों तक नहीं पहुँच पाया है। जब मैं लोकतंत्र की बात करता हूँ तो मुझे एक परेशान एक्ट्रेस दिखती है जिसे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आ रही है, बट शी वॉज नॉट श्योर कि ये सेंसर में अटकेगी या नहीं अटकेगी। जब मैं लोकतंत्र की बात करता हूँ तो मुझे किसी ऑडिटोरियम की फ्रंट बेंच पर बैठा एक चिंतित प्रोफेसर नज़र आता है कि ये कमबख्त संपादक जो बोल रहा है वो थोड़ा बहुत ठीक तो है, लेकिन शुरू में ही इसने जो कॉलेज प्रशासन पर बोल दिया वो डेमोक्रेसी के किस मुहावरे में ठीक ठीक फिट होगा। जब मैं लोकतंत्र की बात करता हूं तो हजार रंग खिलते हैं, हजार रंग खुलते हैं, क्योंकि ये कोई एक चीज नहीं है। किसी को वोट डालना है इसलिए क्योंकि उसकी जाति वाला लड़ रहा है, किसी को वोट डालना है इसलिए क्योंकि उसके धर्म वाला लड़ रहा है, किसी के लिए पाकिस्तान को हराना महत्वपूर्ण है, किसी के लिए चीन को मुंह तोड़ जवाब देना, किसी के लिए GDP, किसी के लिए मोहल्ले का परिचय, किसी के लिए फ्री बस राइड या दूसरी फ्रीबीज, किसी के लिए अधिकार, किसी के लिए परसेप्शन। तो ठीक ठीक वो है कौन सा फॉर्मूला तय किया जाए जिसके ज़रिए हम समझें कि ये जो महान देश है भारत और ये जो महान लोकतंत्र है भारत का, उसे कैसे पढ़ा समझा जाए सीखा जाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खाली स्लेट लेकर जाएं और कुछ बेसिक्स क्लियर रखें। पहला बेसिक, क्या हम सिर्फ अपने अभ्युदय की, अपनी मुक्ति की चिंता कर रहे हैं? आर वी वरीड ओनली अबाउट अस और मी? किसी भी वाक्य में, किसी भी पैरा में सबसे क्रूर वाक्य लगता है मुझे जो आई से शुरू होता है। आई डिड दिस, आई डिड दैट, मुझे ये बोला, मुझे वो किया। अपने इर्द गिर्द के नेताओं को गौर से देखिए और भापिए, इट कैन बी वन असाइनमेंट। कौन से नेता हैं जो सबसे ज़्यादा मैं करते हैं और क्यों करते हैं? क्योंकि लोकतंत्र तो मैं से हम का सफर है ना। हमने क्या किया, हमें किन क्षेत्रों में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पे सख्त फैसले लेने हैं हमें, हमें क्या कोशिशें करनी है कि जम्हाई ना आए। माई फ्रेंड, वुड यू लाइक टू हैव सम स्पेशल शॉट? नो, लगता है कि रात बहुत व्यस्त रही। अगर नहीं रही तो मुझे ज़्यादा अफसोस होगा। आप जिंदगी के उस दौर में हैं जिसमें रातों को भी भरपूर चमकदार होना चाहिए।
दिन में एक सूरज जगे, रात में 9 जगे। हाँ, जग रहे हैं कि नहीं? हाँ, इसका सेट है। आसपास वाले अपना देख लो। तो ये मैं से हम का सफर कैसा है? यदि मैं किसी नगर निकाय के चुनाव में वोट डाल रहा हूं तो मेरी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? कितना लेयर्ड करप्शन है सिविलियन को मिलने वाली सुविधाओं में? क्या हजारों वर्ष पूर्व हमारे पुरखों ने जो शहर बसाए थे उनमें जिस तरह से नालियां ढकी हुई थीं, क्या मेरे इर्द गिर्द नालियां ढकी हुई हैं? क्या कोई माफिया है जो झुग्गियां बसाए जा रहा है जिसमें कोई गूगल सैटेलाइट काम नहीं करता? क्या कूड़ा ठीक से उठाया जा रहा है? और क्या उससे भी पहले हमने अपने इर्द गिर्द और सबसे पहले अपने घर में ये जागरूकता फैलाई कि गीला कूड़ा क्या होता है, सूखा कूड़ा क्या होता है? बड़ी बुनियादी चीज़ है ना। हमें तो बहुत हाईफाई बातें करनी चाहिए। थोड़ा सा मैं ग्रामशी को कोट करूँ, थोड़ा सा हॉब्स को करूँ, हाँ, थोड़ा सा कुछ इंडियन थिंकर्स को करूँ, टैगोर को, अम्बेडकर को, गांधी स्कूल दिस डेज अगेन। पर मैं कूड़े की बात कर रहा हूँ, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, क्योंकि हमें जब तक अपने इर्द गिर्द की गंदगी को साफ करने का शऊर नहीं आएगा, हम कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बचपन में हमें बहुत ज़रूरी सबक सिखा दिए जाते थे जो बड़े होते होते हम भूल जाते हैं, है ना। एक राइम हुआ करती थी बचपन में, आँख में अंजन, दांत में मंजन, नितकर नितकर नितकर, आता था ना। सफाई पे बड़ा जोर होता था। तो हम गीला कूड़ा सूखा कूड़ा नहीं करेंगे, कार का शीशा नीचे रोल करेंगे, रैपर फेंकेंगे, बिकॉज आई लव डार्क चॉकलेट, एंड देन आई विल कर्स द सिस्टम। मेरे शहर में गंदगी इतनी क्यों है? व्हाई कांट दीज मोरॉन्स वर्क प्रॉपरली, है ना। अच्छा लगता है ऐसे ऐसे दूसरे पे, सर मैं नकल नहीं कर रहा था, ये कर रहा था, एकदम तुरंत साइड में खिसका दो। तो जब आप इस डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करें तो सबसे पहली जो शुरुआत करें वो अपने इर्द गिर्द से करें। हाउ डेमोक्रेटिक यू आर, आप कितना इक्वलिटी को फॉलो करते हो? जेंडर की इक्वलिटी कितना फॉलो करते हो? कितने स्लीजी रिमार्क्स पास करते हो सामने से या साइड से, किसी की तरक्की को देख के, किसी के कपड़ों को देख के? क्योंकि तुम्हारी आँखों को तो संविधान ने ये शक्ति नहीं दी है कि आप किसी के कुर्ते की गहराई को तय कर सकें, या किसी के टी शर्ट की, या किसकी बाह कितनी लंबी हो, है ना। बट वी जज, साथ वाले ने क्या पहना है, साथ वाला कैसे बात कर रहा है, ब्रो ही सो पेंडू, मतलब ही टॉक्स इन भोजपुरी, गोया की भोजपुरी इस देश की भाषा ना हो, या कि अवधि, या हरियाणवी, या पंजाबी। तो हम लोग जेंडर पे जज करते हैं, क्लोथिंग पे जज करते हैं, भाषा पे जज करते हैं, अंग्रेजी पर ही टॉक्स इन सच अ फनी मैनर, या कोई बहुत ही अंग्रेजी ढंग से बात कर रहा हो तो हिंदी वाले भी लड़के लड़कियां गैंगअप हो जाते हैं, कतई अंग्रेज हो रखा है भाई, है इसको ना समझ में आनी। भाषा पे जज करते हैं, कास्ट, क्लास, रिलीजन, सब्जेक्ट पे जज करते हैं। परसेंटेज कम रहा होगा इसलिए हिंदी में आया, सारे कूल लोग तो इको और पॉल साइंस वगैरह में आते हैं, है ना। तो आप डेमोक्रेसी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अपने कॉलेज में देख सकते हैं, अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, अपनी क्लास में, सॉडी में देख सकते हैं, हाउ बायस्ड यू आर व्हाइल यू आर लुकिंग एट योर काउंटर पार्ट्स। ये विधायक मंत्री सब बहुत बात की बात है, तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? इफ आई हैव टू चूज माई फ्रेंड्स, मैं कुछ चुनूंगा जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे, एकदम टॉप होंगे, विल कीप मी इंस्पायर्ड। कुछ करूंगा जो कतई बदमाश होंगे, जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होगा, वरना लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी, है ना। दीदी सर हिला रही है, बंक करने के लिए भी तो कुछ दोस्त चाहिए। सो यू हैव टू कीप अ मिक्स वैरायटी। तो वोट डालने जाइए, अपनी प्रायोरिटीज चेक करिए, पर सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज चेक मत करिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों की प्रायोरिटीज चेक करिए। क्योंकि आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको बहुत सारे टूल्स मिले हैं सभ्यता की समीक्षा के। ये नया जत्था कहां से आ रहा है गुरु, बताओ, नीले कुर्ते वाले कहां से लेके आए इतने सारे लोग? तुम क्या प्रॉमिस किया था तुमने,
मैकडी का बर्गर, आ जाओ बैठ जाओ। तो मैं आज ये सोच के आया था कि फॉर अ चेंज जब मैं हिंदू कॉलेज जाऊंगा तो मैं कोई तगड़ा सा भाषण नहीं दूंगा। भैया मोबाइल नीचे धर लो, जमा कर लेंगे हम, मत करो यार ऐसे। एक विकल्प होता है कि जब मैं आऊं और यहाँ पे मंच पे आके खड़ूं, कहूं मैं हिंदुस्तान की युवा शक्ति का आह्वान करता हूं कि ये देश जो अपने अमृतकाल में करवट ले रहा है, ये कैसे विश्व गुरु बने, इसके लिए हम अपने अंदर अनुशासन लेकर आए, स्वाध्याय को बढ़ाएं, रोजगार की तरफ बढ़ें, रोजगार देने वाले बने, हम अपने इर्द गिर्द की असमानता को दूर करें, हम अपने भीतर साहस का संचार करें, हम उन गौरवशाली पुरखों को देखें जिन्होंने इस महान संस्कृति का निर्माण किया है। दिस इज वन ऑप्शन, राइट? एकदम ओजस्वी ढंग से, बट ये बड़ा फिजी होता है, एकदम प्रकट तौर पर बड़ा, अरे गुरु कुछ कुछ तो बोला, बहुत बढ़िया, एकदम रोंगटे से खड़े हो गए। और ब्रो उसकी हिंदी कितनी सही थी, मतलब एकदम से ओजस्वी तेजस्वी पुरखे वर्तमान भविष्य, बीच बीच में दो चार संस्कृत के और भक्ति काल के कपलेट भी थे, तो सो कूल। पर वो फिर कभी, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि इस सेशन के बाद आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें, थोड़ा सा जांचें परखें कि हम जो हिंदू कॉलेज में पढ़ रहे हैं हमारे भीतर कौन कौन से बायस हैं। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है पूरी तरह से, मोदी जी का भी नहीं है, हमारी अपब्रिंगिंग का, हमारी कंडीशनिंग का दोष है, जिसमें हम बताते हैं लड़के हो तो ऐसे रहो, लड़की हो तो ऐसे रहो, ठीक है? हमारी अपब्रिंगिंग की जाती है ना, खिलखिला के मत हंसो, बाल ऐसे मत रखो, कपड़े ऐसे मत पहनो, सब्जेक्ट ये चूज़ करो, ये मत करो, इसकी तो कोचिंग देर रात तक होती है, इसकी ट्यूशन नहीं होती, इसके लिए दूसरे शहर दूसरे देश जाना होगा, इतना पढ़ लिख के क्या करोगी। कंडीशनिंग जो हमें और हमारे सपनों को लगातार काटती छांटती रहती है, और ये बड़ा विरोधाभासी होता है, क्योंकि बचपन में जो राइम पढ़ाई जाती हैं वो हमें सपने देखने को कहती हैं, कल्पना करने को कहती हैं, वो हमसे कहती हैं कि तुम सूर्य की संतान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। वो हमें बताती हैं कि शुरुआत तो अमीबा से हुई थी और देखो तरक्की करते करते अमीबा से इंसान तक कैसे हम आ गए, पर फिर हमारी तरक्की के रास्ते वो तय करने लगते हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो दोष पूरी तरह तुम्हारा नहीं है, पर अब जब तुम इतने वोक हो चुके हो कि तुम अपने एक वोट के जरिए पार्षद प्रधान मेयर विधायक सांसद चुन सकते हो, जो इस देश का इकबाल कैसे बुलंद रहे इसकी फिक्र करते हैं, कम से कम मैं ये मानना चाहता हूँ, तो फिर तुम्हें ये भी चेक करना चाहिए कि तुम बाकी टाइम जब इलेक्ट करते हो सिलेक्ट करते हो तब तुम्हारे पैरामीटर्स कितने डेमोक्रेटिक होते हैं। वो डेमोक्रेसी सिर्फ ये नहीं है कि मैं एक दिन जाके किसके नाम पर बटन दबाऊंगा उससे मैं एक अच्छा वोटर हो जाऊंगा, एक अच्छा सिटीजन हो जाऊंगा, नो, बिकॉज वी चूज एवरी डे। आप अपने फूड में क्या चूज कर रहे हो, हाउ कॉन्शियस यू आर अबाउट योर फूड, क्या आपकी थाली में जो है आपको उसके बारे में पता है? आप में से कितने लोगों को ये पता है कि मेरी थाली में जो अरहर है वो किन क्षेत्रों में उपजती है, उसकी बुवाई का वक्त क्या होता है, जो तिलहन है वो कहाँ पैदा होता है, गेहूं की कितनी किस्में हमें पता है। हम बहुत जानना चाहते हैं ना, कौन सी शर्ट पहनी, मोबाइल कौन सा है, ऐप कौन सी डाउनलोड की, कौन सी साइट देख रहे हो, पर हम जीवित हैं क्योंकि ये शरीर काम कर रहा है, शरीर को काम करने के लिए आहार की जरूरत है। वी इलेक्ट और सिलेक्ट अवर आहार, वी डू, राइट? यू गो टू द कैंटीन, यू मेक अ चॉइस, द वे यू मेक अ चॉइस इन द पोलिंग बूथ, सो वेन यू सिलेक्ट योर आहार, हाउ कॉन्शियस यू आर अबाउट द फूड, क्या आप वो रैपर पढ़ते हो, डू यू गूगल दोज थिंग्स नेक्स्ट टाइम वेन यू पिक अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल और अ कैन, डू चेक उसमें क्या क्या लिखा है, एंड देन डू गूगल, उसको चेक करिए, क्योंकि सब कुछ वो वहाँ पर बहुत क्रिप्टिक टोन में लिखते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज के बाद पीना मत, पर एटलीस्ट यू नो, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट नोइंग मोर एंड मोर एंड मोर। उसी को फिर हम अलग अलग फॉर्म में गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी ये सब बोलते हैं ना,
तो वो अपने इर्द गिर्द से शुरू करिए, और सबसे पहले शुरू करिए अपने आहार से, आप क्या खाते हो. देन योर विहार, आप कहाँ जाते हो. हाउ मेनी ऑफ यू आर कंप्लीटली फैमिलियर विद द लेगेसी ऑफ हिंदू कॉलेज, विद द लेगेसी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. 1857 में कौन सा कॉलेज था दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एक्टिव था, कौन से टीचर्स थे जिनको बलवाइयों ने मार दिया था, क्या पढ़ाया जाता था, इस दिल्ली का इतिहास क्या है जो इतनी बार बसी और उजड़ी. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर आहार, जिसे तुम सिलेक्ट और इलेक्ट करते हो, एंड देन योर विहार, कहाँ घूमने जा रहे हो, कितने कॉन्शियस हो तुम, कितने इंक्विजिटिव हो, कितना औत्सुक्य है तुम्हारे भीतर अपने इर्द गिर्द को जानने का. जो तुम्हें कैंटीन में पानी सर्व कर रहा है, जो तुम्हारी क्लास साफ कर रहा है, उसकी जिंदगी कैसे चल रही है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, टेम्पो में, बस में. और इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती भिड़ जाओ, वो पानी बाद में सर्व करना, पहले इधर बैठो, बताओ बताओ वोट किसको दिया, ये भी नहीं करना है अपने औत्सुक्य के चलते. सो वंस यू आर अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग, तब आपके ऊपर भारतीय अध्यात्म का एक बहुत बड़ा ज्ञान खुलता है, विच इज कॉल्ड एकात्मता, वननेस. जब आप वो वननेस महसूस करने लगते हैं तो आपके अंदर एम्पैथी आने लगती है, आप थोड़े से कम गुस्सैल, थोड़े से ज़्यादा करुणा से भरे हो जाते हैं अपने क्लासमेट्स के प्रति, फिर आप कम जज करोगे. मैंने कह तो दिया कि जज मत करो, पर उसका तरीका क्या है. सो इफ आइदर यू आर फुल ऑफ अफेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग और यू आर फुल ऑफ सम एंगर, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो हमेशा ट्रिगर पॉइंट्स की बात करता है कि तुम इतने गुस्सा क्यों हो. तो लोग गुस्सा होते हैं क्योंकि उनको लगता है उनके साथ इनजस्टिस हुआ है. इनजस्टिस दो तरह का होता है, एक आर्टिफिशियल, कि आपको लगे कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है कि आपके सर के बाल घुंघराले क्यों नहीं है, या आपकी हाइट 5 फीट 8 इंच क्यों है, 6 फीट 2 इंच क्यों नहीं है. ये इसमें आपका कोई सिलेक्शन नहीं है, इट्स अ नेचुरल सिलेक्शन. पर आपके इर्द गिर्द का जो तंत्र है वो आपको इनजस्टिस की फीलिंग देता है. जिनके घुंघराले बाल हैं उनके लिए प्रोडक्ट आते हैं कि वो अपने बाल सीधे करो, जिनके बाल सीधे हैं उनके लिए प्रोडक्ट आते हैं कि वो बाल अपने कर्ल कैसे करें. दैट्स मार्केट फॉर यू. जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है बिकॉज ऑफ द पिगमेंटेशन, वो धूप में उल्टे लेटे रहते हैं डार्क करने के लिए. जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है वो फेयर एंड लवली क्रीम लगाते हैं. बाजार है, चक्का घूम रहा है, बुद्धू बनाने में लगा हुआ है. सो ये आर्टिफिशियल इनजस्टिस है जो तुम्हारे ऊपर आयत कर दी गई है. तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, तुम्हारा कोई और जेंडर है, यू आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट, ये तुम्हारा कॉल है. तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो ये तुम्हारा कॉल है लार्जली, क्योंकि किताबें तो ये नहीं पूछती है ना कि तुम्हारा कुल क्या है, गोत्र क्या है, जेंडर क्या है, भाषा क्या है, रीजन क्या है, रिलीजन क्या है. पर कुछ इनजस्टिस हैं जो आपको एक टाइम और स्पेस में आपकी सराउंडिंग से मिलते हैं. लड़कियों से आप पूछिए, दे विल टेल यू. कहीं आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है डेमोक्रेसी की चीरफाड़ के लिए. अपने इर्द गिर्द की लड़कियों से पूछिए कि तुम्हें यहां तक आने के लिए किन किन हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा. देयर माइट बी 1 or 2 out of 100 बॉयज जिनको कभी किसी ने इनअप्रोप्रिएट ढंग से टच किया हो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, एक पब्लिक प्लेस में. अनफॉर्चुनेटली देयर विल बी 20, 30, 40 गर्ल्स जिन्होंने ये हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस किया होगा. यू नीड टू नो. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट नोइंग, नॉलेज इज ऑल अबाउट नोइंग, क्योंकि तब आपका व्यू पॉइंट वृहद होता है. सो इफ यू वॉन्ट टू बिलीव इन इक्वालिटी, टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे की जर्नी जानो, तब शायद तुम कम जज करोगे, तब शायद तुम जो सिलेक्ट और इलेक्ट करोगे वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, ज्यादा तुम्हारा फैसला होगा, ज्यादा त्वरित ढंग से लिया गया फैसला नहीं होगा. एंड सेम थिंग अप्लाइज ऑन डेमोक्रेसी. आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या एजेंडा पुश कर रही हैं, असल में क्या डिलीवर कर रही हैं, क्यों एक फिल्म किसी एक के लिए रैलिंग पॉइंट हो जाती है सपोर्ट का, किसी एक के लिए विरोध का, किसको क्या पर्पस सर्व हो रहा है, किसी एक चीज को बैन करने से, प्रमोट करने से, या किसी एक बात पे डिस्कशन ना करने से. यू हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस एंड देन यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क टू फाइंड आंसर्स. वो कोई एक झटके की चीज़ नहीं कि एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ लिया, एक वीडियो देख लिया, आ गया.
बिकॉज द मोर यू नो हाउ लिटिल यू नो, बहुत कंटिन्यूस प्रोसेस है. सो मेरे लिए डेमोक्रेसी का मतलब जानना है. तुम विद्यार्थियों के लिए डेमोक्रेसी का सबसे पहला मतलब होना चाहिए अपने इर्द गिर्द को जानना, उस प्लूरैलिटी को, उस वैरायटी को समझना जो फॉर्चुनेटली तुम्हारे पास उपलब्ध है, क्योंकि तुम हिंदुस्तान के एक ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हो जहाँ देश भर से शानदार एकेडमिक करियर वाले लड़के लड़कियाँ आते हैं पढ़ने के लिए. अपने दोस्तों को देखो, उनकी वैरायटी को देखो. उसके बाद क्या होगा कि तुम्हारा एक समूह बनेगा जिसमें जो तुम्हें सभ्यता समीक्षा करनी है अपनी डेमोक्रेसी की, वो ज़्यादा मजबूती पाएगी. बिकॉज वेरिंग पॉइंट्स होंगे, कोई कुछ पढ़ के आया, कोई कुछ पढ़ के आया, देन यू विल डिस्कस. सो प्लूरैलिटी के साथ दूसरा मज़ा ये आता है कि आप संवाद करना सीखते हो, आप सहमत और असहमत होना सीखते हो, जो कि हम बहुत तेज़ी से भूलते जा रहे हैं. इट टेक्स अ लॉट. समबडी सेइंग समथिंग, आप मेरे कहीं से डिसएग्री हो सकते हैं, आप अपने लॉजिक को फॉर्मुलेट करेंगे, वी विल गेट इन टू अ कन्वर्सेशन. इट टेक्स जस्ट अ सेकेंड वेयर यू वॉक आउट और यू राइट अ कस वर्ड एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या किसी को ट्रोल कर दो. आप क्रिटिकली इंगेज नहीं कर रहे हो ना. सो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हिंदू कॉलेज यूथ कि आप लोग अपने आप को, अपने इर्द गिर्द को क्रिटिकली इंगेज करें. संशय बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि संशय आपको सवाल पूछने की तरफ और सही जवाब हासिल करने की तरफ ले जाता है. एक बार आपने ये काम कर लिया, सवाल पूछने का शऊर सीख लिया और उनके जवाब खोजने की धुन पा ली, तो फिर आप इस डेमोक्रेसी को जिसके बारे में, जिसमें हम जीते हैं, जो कि हम हैं, आप और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे. मेरा भाषण यहाँ पे समाप्त होता है. समाप्त इसलिए कर रहा हूँ ताकि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो सके. शुक्रिया. आप तो घड़ी बांध के भी नहीं आया, जल्दी जल्दी में सब भूल जाता हूँ. हेलो, नमस्ते सर. मेरा नाम प्रद्युम्न, इधर यहाँ आया. हाँ, बस एक सेकेंड, दो चीज़ों से बचेंगे, लंबी कमेंट्री और ललन टॉप की या किसी की तारीफ. मुझे पता है आप लोग पसंद करते हैं, कम से कम मैं इस भरम में रहना चाहता हूँ. सवाल जितना शॉर्ट रहेगा उतने ज़्यादा सवाल ले पाएंगे. प्लीज स्टार्ट. सर, संयम कैसे बरते हैं, चूँकि पत्रकारिता के छात्र? आई रियली डोंट नो, मैं अभी तक नहीं बरत पाया हूँ. मेरे सामने जब रसमलाई या गुलाब जामुन होते हैं तो मेरे भीतर अनंत लिवर पैदा हो जाते हैं और मैं एक भोजन भट्ट की तरह उन पर टूट पड़ता हूँ. सो आई एम नॉट द राइट गाय टू प्रीच ऑन संयम. सर, चूंकि मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ तो कई दफ़ा मैं आर्टिकल लिखते वक्त और रिपोर्ट करते वक्त मैं एक साइड पिक कर लेता हूँ, तो शीत से कैसे बचे और उस पर काबू कैसे? अध्ययन, खूब सारा अध्ययन, परस्पर विरोधी विचारों का अध्ययन, ये जरूरी है. जब आप खूब सारा अध्ययन करोगे तब, जैसे जब हम लोग, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो मुझे लगा कि यार गांव के लोग बेस्ट होते हैं, शहर के लोग तो झंडू होते हैं, है ना. ऐसे बताया था ना, गांव के सब लोग हट्टे कट्टे होते हैं, कद्दू हट्टे कट्टे होते हैं, गांव में भी बहुत नशा होता है, गांव में भी लोग बीमार होते हैं, रेगुलर चेकअप नहीं कराते हैं. तो ऐसे फिर शहर में आए तो मैंने कहा यार शहर के लोग तो बहुत बढ़िया होते हैं, शहर के लोग उतने ही कद्दू होते हैं, वो मैदा खाने में लगे हुए हैं. ठीक है. और एक वो जो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है तुम लोगों के नाम पर, सोया चाप है. तो जैसे जैसे आपका एक्सपोजर होता जाता है आप निगेट करते जाते हो. इसलिए खूब अध्ययन करने की, खूब बात करने की ज़रूरत है. कोई भी निष्कर्ष अंतिम नहीं होता है. मैं आपको एक साइंस के एग्जांपल से बताता हूँ. अगर मैं इस मोबाइल फ़ोन को अर्थ में, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, छोड़ूंगा तो ये क्या होगा, नीचे गिरेगा ग्रेविटी की वजह से. साइंस इसको कुछ अलग ढंग से कहती है. साइंस कहती है अब तक जितने भी ऑब्जेक्ट जिनमें वेट है धरती में, हवा में, ऐसे सस्पेंडेड फॉर्म में छोड़े गए, वो सब नीचे गिरे और हमें लगता है कि इसकी वजह ग्रेविटी है. पहली लाइन क्या थी, अब तक. देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर करेक्शन. ज्ञान के साथ भी यही होना चाहिए. नेक्स्ट. हाँ भाई साहब, पूछो जी. दैट्स अ ब्यूटिफुल शर्ट, से थैंक यू. गुड. And sir, can I also just say that's a beautiful kurta that you're wearing. Oh, thank you. Thank you so much. Sir, my beautiful, intelligent wife chose this attire for me, so I'll give her the credit.
यस सर, आई एम प्रांजल फ्रॉम इंग्लिश ऑनर्स. सर मेरा सवाल यह है कि जब से इंटरनेट कनेक्टिविटी में एक सर्ज आया है तब से न्यूज़ आउटलेट्स और सोर्सेज ऑफ न्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं, बट उसके साथ ऑथेंटिसिटी और मिस इन्फॉर्मेशन बायस जर्नलिज्म की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं. सो आप एज अ जर्नलिस्ट इसको कैसे देखते हैं, कैसे एड्रेस करते हैं, और मैं एज अ कंज्यूमर न्यूज़ मीडिया को कैसे अप्रोच करूँ व्हेन आई नो दीज प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट? आई से टेक योर टाइम बिफोर पुटिंग योर ट्रस्ट इन एनी न्यूज़ आउटलेट. उसको लगातार देखिए, उसके ओरिजिनल सोर्स पे जाके देखिए. अगर मुझे कोई एक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा तो मैं उसके होम पेज पे जाऊंगा, उसके वीडियोस देखूंगा. क्या वो सारे वीडियो एक तरफ झुके हुए हैं, मोदी जी महान हैं या मोदी जी खराब हैं, है ना? यू कैन वेरी इजली फिगर इट आउट, क्योंकि सत्य कहीं बीच में खड़ा है. ठीक है, कुछ लोगों ने पाला चुन लिया कि राइट बिल्कुल ख़राब है, कुछ लोगों ने चुन लिया कि लेफ़्ट बिल्कुल ख़राब है, कुछ लोगों ने चुन लिया कि भारत में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और कुछ लोगों ने चुन लिया कि भारत तो एकदम हिरन की चौकड़ी की तरह आगे बढ़ रहा है, बस कुछ लोगों को दिख नहीं रहा है. तो जब आप लगातार सातत्य में ये चीज़ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से ऐसे न्यूज़ आउटलेट हैं जिन पे आपको यकीन करना है. हमेशा हम लोग जैसे करियर में बोलते हैं ना, देयर शुड बी अ बैकअप प्लान, वैसे हमेशा 2-3 न्यूज़ सोर्स रखने चाहिए. जैसे आई कैन टेल यू माइन, मैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, ये 2 अखबार पढ़ता हूँ, 7-8 मैगजीन्स पढ़ता हूँ, इंडिया टुडे, फ्रंट लाइन, अटलांटिक, वायर्ड इज़ अ मैगजीन, नथिंग डू विद द वायर, इकोनमिस्ट, टाइम, द वीक. तो आप जब बहुत वेरीड न्यूज़ सोर्स रखते हो ना तो फिर आपको अच्छी इन्फो मिलती है. सो वेराइटी रखो और फिर धीमे धीमे आपको समझ में आता है कि ऐसा होता है ना कि कोई मास्टर साहब समझा रहे हैं तो किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, तो फिर आप उसी हिसाब से अपने कम्फर्ट भी पिक करते हो. बट डू रिमेंबर वन थिंग, क्या तुम किसी वीडियो, किसी न्यूज़ को अपने बायस को कन्फर्म करने के लिए कंज्यूम कर रहे हो या अपने बायस को चैलेंज करने के लिए कंज्यूम कर रहे हो? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो सकता है. मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो हिंदू फोबिक या इस्लामोफोबिक है या होमोफोबिक है. अब वो अगर लगातार ऐसा कंटेंट कंज्यूम करेगा जिसमें उसके यकीन को पुख्तगी मिले, बल मिले, तो उसका विकास रुक जाएगा. सो यू हैव टू ऑलवेज चैलेंज अवर बिलीव्स. अगर आपको लगता है आप होमोफोबिक हैं तो प्लीज वॉच दैट कॉन्टेंट जो आपको एक दूसरा व्यू पॉइंट दे, क्योंकि तब हो सकता है, फोबिया वैसे भी किसी भी किस्म का ठीक नहीं होता, कि आप थोड़ा सा सम पे आओ, राइट? सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली लुक फॉर दोज एवेन्यूज जहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअली चैलेंज किया जाए. इफ यू आर द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम. नेक्स्ट. नमस्कार सर. सर मेरा नाम अभय है. आपसे कई लोगों ने पूछा होगा कि आपको जो गमछा है काफ़ी जस्ता है आप पे, तो इसकी कोई कहानी है, मतलब या कोई आपको अच्छा लगता है इस वजह से आप पहनते हैं, बाकी बहुत जस्ते हो आप इसमें? थैंक यू. इसके 2-3 जवाब हैं. मैं निपट गांव का लड़का हूँ और मैंने बचपन से अपने बड़ों को गमछा गले में डाल के खेत में जाते, ट्रैक्टर चलाते, कॉलेज में जाते, दफ्तरों में जाते देखा है. बड़ी सहूलियत होती है, गमछा है, आपको हर बार नैपकिन नहीं चाहिए, हाथ पोछ लिया, मुंह पोछ लिया, मुंह धो लिया, पार्क में डेट करने गए हो सफदरजंग के मकबरे में तो बिछा के बैठ भी सकते हो. नो, यू गाइस डोंट गो देयर, किसी और कॉलेज के आते होंगे, सॉरी. दूसरा, फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कलर पैलेट को ऐड करता है. अब अगर मैंने एक सिंगल ये कुर्ता पहना है, इट्स अ सिंगल कलर पैलेट, राइट? आपने एकदम से इसमें स्कार्फ डाल लिया, 3 कलर पैलेट ऐड हो गए, ठीक है, लुक्स गुड, राइट? और जिन लोगों की डबल चिन, थोड़ी सी टोन, उसमें भी थोड़ा सा कवर अप करता है. आई जस्ट लव इट्स पार्ट, मतलब ये अब ऐसा हो गया है कि कहीं जाता हूँ, नहीं पहनता हूँ तो लोग टोक देते हैं, अरे, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई मैं कर्ण का कवच कुंडल नहीं था ये, मैं इसके साथ नहीं जन्मा हूँ. सो मैं कहीं जॉग कर रहा हूँ, मान लीजिए पार्क में, सो आई मीन माई रनिंग शूज, शॉर्ट्स, अरे आप गमछा कहाँ हैं? मैंने कहा वो आगे आगे दौड़ रहा है, देखो मैं उसी को चेज कर रहा हूँ. आई लव इट. अभी तो दोस्तों के लिए भी बड़ी सहूलियत हो गई है, उन कमबख्तों के लिए बड़ा आसान रहता है. पिछले दिनों मेरा जन्मदिन था तो मेरी पत्नी ने जो इनविटेशन तैयार किया उसमें नीचे क्लियरली लिखा था, क्योंकि दोस्तों को दे रहे थे, कि प्लीज़ डू नॉट ब्रिंग स्कार्फ्स और बुक्स,
क्योंकि उनके लिए बड़ा इजी रहता है, ढेर लग गया है उस चक्कर में। कई बार मुझे लोगों ने कहा भी कि आप अपना स्टार्टअप शुरू कर लीजिए, द गमछा गाय। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। जी, क्या यहाँ पे सभागार में सिर्फ पुरुष हैं? टेस्टोस्टेरोन की बाढ़ आ रखी है, कुछ लड़कियों को भी माइक दे दीजिए। नमस्ते, जी आप रामजस कॉलेज से हैं, रामजस कॉलेज वालों को माइक की जरूरत नहीं पड़ती बोलने के लिए। और ये हिंदू वालों का बड़प्पन है कि वो आप लोगों को बहुत अच्छे से एकोमोडेट कर लेते हैं, बड़े भाई की तरह। सर, दे आर द होस्ट, फाइनल वर्ड उनके लिए होना चाहिए। जी सर, सर मेरा क्वेश्चन था कि सर आप जैसा धारा प्रवाह प्रवक्ता कैसे बने? अब ये मत प्रवक्ता आप नहीं है, आप ये मत कहना कि आप नहीं हो। दैट्स अ वेरी अब्यूज वर्ड। मैंने आज तक कभी किसी को गाली नहीं दी माइक के सामने। मैं प्रवक्ता नहीं हूं भाई साहब, मेरे से गलती हो गई जो आपको ऐसा लगा। पता नहीं यार, मतलब छोटा था तो डांट पड़ती थी, बहुत बोलते हो, अब वो रोजी बन गई, अब डांट पड़ती है दर्शकों के द्वारा, इस पर क्यों नहीं बोल रहे हो, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो। वो चाहते हैं कि मेरी 12 भुजाएं और 20 अवतार हों ताकि मैं एक साथ मणिपुर, जंतर मंतर, कर्नाटका, अपने स्टूडियो और हिंदू कॉलेज में मौजूद रहूं, जो कि मैं नहीं कर पाता हूं। ऑब्जर्व करता हूं, थोड़ा बहुत बेचैनी महसूस होती है, आप लोग सुन लेते हैं इसलिए बोल देता हूं। टू आंसर योर क्वेश्चन, ये आपके सुनने की सलाहियत है, आपके सुनने की गुरुता है जो मैं बोल पाता हूं। क्योंकि कितने ही लोग हैं जो कितना बोलना चाहते हैं, कितने भरे हुए हैं भीतर से, पर उनकी ज़िंदगी में कोई सुनने वाला नहीं है, वो घुटते रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना, प्लीज़ बी अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग, तुम्हारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनसे बात करो। संवाद इज़ द की वर्ड फॉर डेमोक्रेसी। हेलो सर, आई एम वैष्णवी, आई एम डूइंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम लेडी श्रीराम कॉलेज। एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक यू ऑलरेडी टोल्ड लाइक डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट नॉलेज, बट अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट स्प्रेडिंग दैट नॉलेज टू पीपल, इट इज आई थिंक नॉट वर्थी। बट मेरा सवाल बस इसीलिए कि सर, जब हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग अंधभक्त होते हैं या फिर कुछ वो मानते नहीं हैं, तो क्या आप कुछ सटीक तरीका बता सकते हैं उनके तरीका या फिर उनकी सोच को बदलने का, जो हमें पता है वो बिल्कुल गलत है? वैष्णवी फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज इको, बहुत पढ़ाई की होगी तुमने 12वीं में, तुम ही लोगों की फोटो छपती है ना अखबारों में, जिले के होनहार। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट वैष्णवी, तुमने पढ़ाई की होगी इसलिए नंबर आए होंगे, स्कूल टॉपर है, मुबारक हो तुम्हें ऐसी सहेलियां जो जब तुम स्पॉटलाइट में हो तभी सारी इन्फो स्लिप कर रही हैं। वी नीड टू बी मोर इफेक्टिव इन अवर कम्युनिकेशन, है ना। मैं जिस वेवलेंथ पे अपनी पत्नी से बात करता हूँ या अपने कलीग से बात करता हूँ, उस वेवलेंथ पे अपनी मदर से बात नहीं करता हूँ, उनका बिलीफ सिस्टम अलग है, ठीक है। वो कास्ट और रिलीजन के जो बायस हैं उससे उतनी मुक्त नहीं है, सो आई नीड टू लुक फॉर न्यू मेटाफर्स। मैं बार बार डेमोक्रेसी में नॉलेज के बाद मैंने क्या कहा, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन चेंज हो जाता है। व्हेन यू टॉक टू अ किड, छोटी सी बच्ची है गोद में दोस्त के, क्या उससे बात करोगे, हे ब्रो डिप्लोमेट का नया सीजन देखा क्या, नो, व्हाट विल बी योर लिंगो, अले ले ले ले, राइट, विच इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप ऐसे चुटकी बजाओगे, उसका अटेंशन ड्रॉ करोगे, टिकल करने की कोशिश ना, आप अपने टीचर के साथ कोई ऐसे नहीं करता होगा आई होप, कि टीचर कोई थ्योरी समझा रहा है, यू लाइक अले ले ले ले, राइट, कम्युनिकेशन बदल जाता है, लाइक यू स्टूड एंड यू आस्क अ क्वेश्चन इन अ कंपोज मैनर। वील हैव टू फाइंड मोर इफेक्टिव वेज, पर एक पॉइंट के बाद हमें यह भी समझना होगा कि ये जो सामने वाला जंतु है ये किसी ऐसी धातु का बना है जिसमें डक्टिलिटी, जिसमें तन्यता इलास्टिसिटी है, या ये निरा पत्थर का बना हुआ है जिस पर चोट मारोगे तो टूटेगा पर वो अपने आप को स्प्रेड नहीं करेगा। सो पिक योर बैटल्स एंड बी क्रिएटिव अबाउट इट, इट्स ऑल अबाउट संवाद एंड कम्युनिकेशन। मैं
अदर डे आई वॉज टॉकिंग टू वन आई एम प्रोफेसर एंड कपल ऑफ यंगस्टर्स, तो हम इसी चीज़ पर बात कर रहे थे कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए जिस एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो है कम्युनिकेशन। आप सोचिए कि किसी सरकारी दफ्तर का टेंडर बहुत आसान भाषा में आए जो किसी को भी समझ में आ जाए और फिर जवाबदेही तय हो सके कि बॉस टेंडर में तो ये लिखा था आपने फॉलो नहीं किया। सड़क बने लिखा हो आसान स्थानीय भाषा में स्पष्ट शब्दों में एक मजबूत बोर्ड पे, इस सड़क को बनने में इतने करोड़ रुपए खर्च हुए, फलाने ठेकेदार ने ये सड़क बनाई है जिन्होंने पिछले साल इतने रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, ढिकाने मंत्री जी ने और इस इंजीनियर ने इस पर दस्तखत किए हैं और सड़क की शर्त है कि 5 साल तक ये नहीं उखड़ेगी, उखड़े तो फोटो खींचो इस ऐप पे अपलोड करो, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इनको अगली सड़क बनाने का मौका नहीं। इस तरह की ट्रांसपेरेंसी कम्युनिकेशन में और फिर एग्जीक्यूशन में, राइट? आप समझो इस देश में जब एक बड़ा 2002-03 में इलेक्टोरल रिफॉर्म आ रहा था जिसमें ईच एंड एवरी कैंडिडेट हैज़ टू डिक्लेयर कि उनके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हैं और उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, तो संसद में विरोध हुआ था, सब पार्टियों ने विरोध किया था। दे वॉन्ट टू हाइड इन्फॉर्मेशन, यू वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट गेटिंग मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, सो कम्युनिकेशन माइट हेल्प। हेलो सर, हालांकि आपने भक्त नहीं अंधभक्त कहा, तो अब जो दृष्टि में नॉट बिकॉज ऑफ द सम फिजिकल इशू अंधा है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम, कहाँ से उछला है प्रणाम? हाँ प्रणाम प्रणाम। अनुभव नाम है मेरा। अनुभव भैया, आपसे दो प्रश्न था, तो आप पहले अपनी कुछ पसंदीदा किताबें बता दीजिए जो यूथ को पढ़ना चाहिए एट प्रेजेंट टाइम में। ये इतना वजनी सवाल होता है ना, यूथ को एक संदेश दीजिए है एकदम, जब मंच पे बुलाया भी जाता है कि ये इन्होंने ये किया इन्होंने वो किया। और दूसरा प्रश्न ये था कि आप सिविल सेवा की भी तैयारी कर रही थी। कभी नहीं की। अच्छा, तो ये अच्छा, तो वो नेवर एवर इन माई लाइफ। मैं UPSC बहुत बार गया हूँ गोलगप्पे खाने के लिए। UPSC के दफ्तर के बगल में कमाल के गोलगप्पे मिलते हैं। मुझे ये सत्य बहुत समय से साया हो गया था कि मुक्ति का इकलौता रास्ता मुखर्जी नगर से होकर नहीं जाता है, ठीक है? तो मैं UPSC के मामले में आपकी सिर्फ इतनी मदद कर पाऊंगा कि ठीक ठीक देख लो, हो जाए तो ठीक है, वरना दुश्वारियां और भी हैं जमाने में गले लगाने को। किताब के मामले में दो जवाब हैं। कुछ ऑथर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं जिनको मैं कभी भी कहीं से भी पढ़ सकता हूँ, फॉर एग्जांपल गैब्रियल गार्सिया मार्केज, राही मासूम रजा, मनोहर श्याम जोशी, निर्मल वर्मा, गिरीश कर्नाड, सो मैनी ऑफ देम, है ना, चिनुआ चीबे, टॉलस्टॉय, अम्बरतो इको, तो बहुत सारे हैं, है ना। एक पिक करना होगा तो इफ़ मतलब मुझे आप एक रूम में बंद कर दें और पूछें कि किसी एक ऑथर की सारी किताबें, आई विल गो विद मार्केज। फियर से कैसे बचे? हाँ, फियर से, मतलब प्रश्न पूछने में भी कभी कभी घबराहट होती है। घबराहट होती है, दिल हुम हुम करता है, हाँ, जबान भी सूखती है थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी, इधर खुशकी सी लगती है, टांगें कीर्तन करती हैं, मेरे साथ भी होता है, इफ दैट कम्फर्ट्स यू। अभ्यास से आएगा, जैसा कि बाबा रामदेव ने कहा, करने से होगा, प्रैक्टिस। हेलो सर, मेरा नाम, बाकी अभी जो मैं किताबें पढ़ रहा हूँ वो मैं बता सकता हूँ। मैं 3-4 किताबें पढ़ रहा हूँ, एक वाणी प्रकाशन की पृथ्वी श्रृंखला से ओरांग उटांग पर किताब आई है वो पढ़ रहा हूँ, एक डॉक्टर क्यूट्रस हैं उनकी किताब आई है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, बहुत कमाल की किताब है, आप सब लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए। एक बहुत कमाल की किताब है एंथ्रोपोलॉजी पे, सेक्स एट डॉन, वो पढ़ रहा हूँ मैं, और क्या पढ़ रहा हूँ, हाँ अभी यही 2-3 है। सिरहाने एक ग्राफिक नॉवल बुक है सेपियंस पे, वो पढ़ रहा हूँ। दूसरा तार सप्तक पढ़ना शुरू किया है नए सिरे से, ये अगेन संपादित किया था कवि हैं इसमें, और अभी विक्रम संपत की बुक शुरू करूंगा क्योंकि उनका इंटरव्यू करना है। जी हेलो सर, मेरा नाम प्रमोद है। हाय प्रमोद। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि चूंकि आप एक बड़े संस्थान के स्टूडेंट रहे हैं, संस्थानों में बोलते रहे हैं,
और भारत के राजनीतिक इतिहास में संस्थानों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और जब मैं यूनिवर्सिटी कैंपस की बात कर रहा हूँ तो स्पेशली उसमें। सवाल को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, एक एज ए जर्नलिस्ट आप समझते हैं कि पिछले कुछ सालों में संस्थानों में जो भूमिकाएँ बंधी है और आपने स्पीच के शुरुआती में उसका जिक्र भी किया, तो ये बदलती भूमिकाएँ, ये बदलता वक्त, आप एज ए जर्नलिस्ट और एज ए स्टूडेंट दोनों वे में आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, ये मेरा सवाल। इस सवाल के लिए हिंदू कॉलेज को मुझे दोबारा बुलाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है ना। मुझे लगता है कि संस्थानों में प्रोफेसर्स को और स्टूडेंट्स को बहुत एक्टिवली कोलैबोरेट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली भारत में एक हायरार्की है, ऐसा नहीं है जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स पूरे ग्रेस के साथ क्रिटिकली इंटेलेक्चुअली एक दूसरे के साथ इंगेज हों, तो हायरार्की आ जाती है। टीचर्स स्टूडेंट से नहीं सीखते हैं, और कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें पहले से ही टीचर से ज़्यादा पता है, तो वो क्रिटिकल इंगेजमेंट नहीं होता है, उसकी वजह से बहुत भरम होते हैं, एक एजेंसी हो जाती है, सेंस ऑफ पावर हो जाती है। स्टूडेंट्स भी पढ़ के आए, टीचर भी पढ़ के आए, जाहिर सी बात है कि टीचर का तजुर्बा ज़्यादा होगा, फिर वो लोग बैठ के डिस्कस करें। फिक्स आंसर नहीं है किसी एक सवाल का, 10 पॉइंट याद कर लिए लिख दिया, पर अभी अनफॉर्चुनेटली वही सिस्टम चल रहा है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट दैट यू क्रिटिकली इंगेज योर प्रोफेसर्स, एंड वो भी ऐसी समान दृष्टा हूँ, वो राह खोलेगा। जी आखिरी सवाल, दैट्स फॉर ऑर्गेनाइजर्स टू डिसाइड। अरे बैठिए दीदी, अभी गाना भी गाऊंगा एक आखिरी सवाल के बाद, बैठिए बैठिए। सर आपके लिए खुशी के क्या मायने हैं? मेरे लिए खुशी के क्या मायने हैं? यस सर, काफी दार्शनिक सवाल है। मेरे लिए खुशी का मायना ये है कि जब मैं सुबह सोकर उठूं तो मेरे बगल में वो लड़की हो जिससे मैंने तमाम जिंदगी प्यार किया, दोस्ती की, एंड शी चोज टू मैरी मी। मेरे लिए खुशी का ये मायना है कि मैं सुबह सवेरे जब रात भर की भीगी अजवाइन का पानी पीऊं तो प्रकृति को शुक्रिया कहूं कि एक और दिन जीने के लिए मिला, उन किसानों को भी, उन कारोबारियों को भी जिन्होंने इस जीवन को सरल बनाया। मेरे लिए खुशी के मायने हैं अखबारों को पढ़ना, क्योंकि कुछ पत्रकारों ने देर रात तक काम किया, एक एक अक्षर को गहराई से जांचा परखा और हम तक खबर पहुंचाई। मेरे लिए खुशी के मायने हैं वो संगीत जो कभी कुमार गंधर्व तो कभी किशोरी अमोनकर की आवाज़ में मेरे घर में गूंजता है। मेरे लिए खुशी के मायने हैं वो चमकीले रंगीन जूते जिनको पहन के जब मैं दौड़ता हूँ तो मेरी सांस को नए सिरे से कुछ कुचली हुई हरी घास की खुशबू मिलती है, और याद आता है कि एक वक्त था जब सब कुछ सांस के इसी कमज़ोर धागे पर टिका हुआ था। मेरे लिए खुशी के मायने हैं सुबह सवेरे का भोजन, आई लव फूड। मेरे लिए खुशी के मायने हैं अपने माता पिता से बात करना, कृतज्ञता। मेरे लिए खुशी के मायने हैं एक ऐसे काम के लिए दफ्तर या फील्ड में जाना या कॉलेज में आना जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, और जो रोज़ नया रंग नया लिबास पहनकर मेरे सामने थिरकती है।